गाइज वेलकम 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 टू द ब्रांड न्यू सीरीज ऑन दिस चैनल। बिल्कुल सही गाइज, आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट का सर्वाइवल मोड। गाइज बिल्कुल सही, बहुत सारे लोग बोल रहे थे लाइक गेमर माइनक्राफ्ट हमको आता नहीं है, फिर मैंने बोला मुझे भी नहीं आता है, फिर हमने बोला क्यों ना साथ में सीखा जाए। तो यार इसलिए मैंने सोचा कि माइनक्राफ्ट की सर्वाइवल की एक सीरीज स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग पूरा लाइक अपना प्रॉपर एकदम ऐसा विलेज टाइप का सब कुछ बनाएंगे, जो कि सबको पता है माइनक्राफ्ट में आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। तो मैंने वही सोचा एकदम जीरो से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल एकदम यू नो स्टार्टिंग से दिखाते हैं जनता को। कितने सारे लोग हैं जिनको माइनक्राफ्ट नहीं आता, तो उन लोगों को भी थोड़ा माइनक्राफ्ट आ जाएगा। तो आज से हम लोग ये सीरीज स्टार्ट करा ले गाइस। तो यस यू हैव टू शो सम सपोर्ट टू दिस सीरीज, ओके लव गाइस। चलो गाइस एक नया सिंगल प्लेयर मोड बनाते हैं, न्यू वर्ल्ड। न्यू वर्ल्ड में आप लोग नाम रखेंगे फ्लीट एम्पायर, क्योंकि फ्लीट आर्मी है। फ्लीट आर्मी कहाँ रहेगी गाइस? फ्लीट एम्पायर में रहेगी। तो फ्लीट एम्पायर करके एक नई जगह बनाते हैं। बिल्कुल सही, शुरुआत में तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं होगा, लकड़ी भी नहीं होगी एक, तो एम्पायर का आएगा ठीक है। बाकी अलाउ चीट्स ऑफ रहेगा ठीक है। और सर्वाइवल मोड में खेलेंगे हम लोग, डिफिकल्टी नॉर्मल रखेंगे क्योंकि प्रो तो है नहीं ठीक है। डाटा पैक्स कुछ नहीं, गेम रूल्स जो भी होगा जैसे है, रैंडम जैसा है वैसे ही रखेंगे। क्रिएट न्यू वर्ल्ड। चलो गाइस अब आएगा मजा, एकदम नया स्टार्ट करने वाले गाइस, पता नहीं क्या होगा, देखते हैं। जैसा भी होगा गाइस तुम लोगों के साथ पूरा मजा लेके खेला जाएगा इस गेम को ठीक है। बहुत जल्दी लोड हो रहा है यार, बाय गॉड। ओके 100% लोड हो चुका वर्ल्ड, भगवान प्लीज किसी विलेज के आसपास निकालना। हाय राम, ये तो ये क्या है भाई, जंगल के बीच में, जंगल के बीच में भी नहीं भाई, ओशन के बगल में। अरे भाई ओशन के बगल में छोड़ दिया हम लोगों को। चलो ठीक है कोई नहीं, देखते आसपास कुछ मिल जाए तो ठीक है। ओके ओके, तो गाइज जैसे कि हम लोग करते हैं जब भी गेम स्टार्ट होता है गाइज माइनक्राफ्ट में, आपको स्टार्टिंग में लकड़ियां तोड़नी होती है जो कि पेड़ से मिलेंगी बहुत ही इजी। देखो न्यू रेसिपीज अनलॉक, तो ठीक है हम लोग एक दो पेड़ तोड़ते हैं पहले, उसके बाद हम लोग अपना काम आगे को बढ़ाते हैं ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ पेड़ तोड़ेंगे और उसके बाद थोड़ा खोज में निकले, हम लोगों को कुछ बकरियां भी ढूंढनी होगी क्योंकि हम लोगों को रात का भी इंतजाम करना है। गाइस पहली रात माइनक्राफ्ट में सबसे हार्ड होती है क्योंकि आप लोगों को पता नहीं होता कि क्या करना है कहाँ रहना है। तो जितने भी मॉब्स होते हैं वो इतने सारे रहते हैं, लाइक आप एक दो से तो लड़ सकते हो लेकिन आप 100-200 मॉब से कैसे लड़ोगे जब वो स्पॉन होते रहेंगे आते रहेंगे। और एंडरमैन, उससे अगर गलती से पाला पड़ गया भाई साहब, एंडरमैन तो क्या ही छीलता है भाई। ओके तो मेरे ख्याल से काफ़ी लॉग्स हो चुके हैं ठीक है, हम लोग यहीं पे रुकेंगे क्योंकि इन पेड़ों का हम गायब होने का भी इंतजार करेंगे थोड़ा सा। हम सारी की सारी ओक प्लांट्स निकालेंगे, अब हम लोग एक बना लेते हैं क्राफ्टिंग टेबल और कुछ स्टिक्स भी हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे। 20 स्टिक्स आई गेस काफ़ी रहेंगे ठीक है, तो ये लगाते हैं। और पहले सबसे पहले हम लोग बनाएंगे अपने लिए एक पिकैक्स, तो यस एक पिकैक्स आ चुकी है गाइस हमारी, तैयार हो चुकी है। और फिर बनाएंगे एक एक्स ठीक है, अभी के लिए यही करते हैं कि बाकी का हम सारा सामान स्टोन से बना लेंगे गाइस ठीक है। तो इसको वापस ले लेते हैं अपने पास। अरे अरे भाई 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 जल्दी बाजी देख रहे हो गाइस, गेमर फ्लूट जल्दी बाजी अलग ही भाई। सबसे पहले हम लोग वही काम करते हैं जो मैंने तुमको बोला, हम लोग कुछ पत्थर ढूंढते हैं और उन पत्थरों से अपने लिए बनाते हैं पहले स्टोन के सारे सामान, और फिर कुछ बकरियां ढूंढ के अपने लिए घर बनाने का जुगाड़ करते गाइस, सॉरी एक बेड बनाने का जुगाड़ करते हैं कि हमें पूरी रात रहना है यहाँ पे ठीक है। अचीवमेंट रिसीव, थोड़ा सा लैग हुआ है यहाँ पे। ओके ओके तो ये थोड़ा बहुत यहाँ पे कर देते हैं, हम लोग स्टोन एज में आ चुके हैं गाइस, लेट्स गो। पहला एडवांसमेंट ऐसी करके एक दिन हमें डायमंड्स भी लेके आने का, इस पूरे डायमंड का बनाना है और एक दिन नेदर राइट का, और एंडर ड्रैगन को तो क्या ही बम बनाना है हमने। लेकिन अभी के लिए फोकस करते हैं गाइस स्टार्टिंग पे, हम लोगों के पास लिटरली अभी कुछ भी नहीं है, ना बेड है ना विलेज है कुछ नहीं है, तो पता नहीं हम लोग अपनी पहली रात कैसे निकालने वाले हैं। मैं सोच रहा हूँ कि अगर थोड़ा सा कोल मिल जाता तो हम लोग लाइक रात पूरी ऐसा कुछ बंद करके माइनिंग करते करते निकाल सकते थे, बट देखते हैं क्या होता है ठीक है। थोड़ा सा और नीचे खत्म, मे बी हमें कोल दिख जाए, देखो दिखा नहीं दिखा, ओके मेरे को लगा कोल मिला बट नहीं मिला। ओके थोड़ा सा और ले लेते हैं स्टोन हल्का हल्का, क्योंकि यार ये जो लकड़ी का है ना ये पिकैक्स बहुत जल्दी टूटेगी और स्टोन की भी ऐसी कुछ खास नहीं होती, लाइक बहुत टाइम तक नहीं रुकती। जो असली पिकैक्स जहाँ से स्टार्ट होती है मेरे हिसाब से तो यार आयरन से असली माल्टाल शुरू होता है, तो पहले ये रख लेते हैं। और इन डंडियों का यूज़ करके हम लोग कम से कम नहीं तो अपने लिए एक एक्स बना लेते हैं और एक पिकैक्स बना लेते हैं ठीक है, एक या दो पिकैक्स बना लेते हैं ठीक है। तो दो पिकैक्स बना लेते हैं, एक एक्स बना लेते हैं और एक स्वॉर्ड भी बना लेते हैं अपने लिए, ताकि सुई पटैक्स ये सब हमारे थोड़े काम आ जाए। और एक शवल भी बना लेते हैं क्योंकि बहुत सारी घास हमको तोड़नी पड़ेगी। एक्चुअली एक काम करते हैं, थोड़ा सा और शवल बना लेते हैं क्योंकि हमको बहुत सारा डर्ट निकालना पड़ेगा गाइस। और इनको रख लेते हैं अपनी पॉकेट में और एक एक चीज़ हर एक चीज़ यहाँ पर रख देते हैं ऐसे ठीक है। चलो गेटिंग एन अपग्रेड, लेट्स गो।
ठीक है, ये देखो गाइस कितना फास्ट हो जाता है। हम लोगों ने लिटरली जब वुड से देखा तुम लोगों ने स्टोन पे गए तो कितना फास्ट हो गया। अब चलो अब थोड़ा सा गाइस हम लोगों को ढूंढना उड़ना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा ऊपर चलते हैं, ऊपर से हाइट से हमें थोड़ा सा अच्छा से दिखेगा, तो चलो ऊपर चलते हैं। भाई मेरे चारों तरफ, अरे मुझे आइलैंड में छोड़ दिया क्या भाई, क्या ही किस्मत है भाई मेरी, बकवास भाई, एकदम गंदी किस्मत है मेरी भाई, मेरे को लिटरली एक आइलैंड में छोड़ दिया यार। भगवान प्लीज किसी विलेज के आसपास निकालना। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग लकड़ी से एक बोर्ड बनाते हैं, ठीक है, और यहाँ से निकलते हैं गाइस। हम लोगों का स्टार्टिंग ही इतना गजब का हुआ है, मतलब मजा आ गया यार, स्टार्टिंग ही एडवेंचरस है, मतलब ऐसा नहीं कि लाइक स्टार्टिंग बोरिंग है, स्टार्टिंग ही एडवेंचरस हुई है एकदम, ऐसा नहीं कि कुछ भी लाइक खाली घूमने चले गए। चलो गाइस हम लोग को एक दूसरा आइलैंड ढूंढना पड़ेगा जो थोड़ा सा बड़ा हो ताकि हमें कुछ और भी चीज़ें मिल सकें। वाले आइलैंड में भी मेरे को कुछ लग नहीं रहा ऐसा कुछ, और ड्राउन ज़ॉम्बीज़ दिख रहे हैं यहाँ पे थोड़े बहुत भाई साहब। ओके तो गाइस मेरे को एक आइलैंड तो दिख रहा है, अब पता नहीं ये आइलैंड भी दूसरे आइलैंड्स की तरह छोटा ना हो, क्योंकि मैं बहुत सारे आइलैंड्स में घूम चुका हूँ लेकिन सारे के सारे लाइक एकदम छोटे से आइलैंड थे। लेकिन देखते हैं गाइस, आई होप ये बड़ा आइलैंड हो थोड़ा सा, ठीक है, तो अपनी बोट ले लेते हैं क्योंकि भाई अभी हमारे पास बिल्कुल भी रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है, बस आई होप, मेरे को लग तो रहा है देख के, अरे बहुत बड़ा है लाइक पीछे को देख रहे हो कहीं तक का अभी दिख नहीं रहा है। ओह यस, किस्मत नहीं भाई, लेट्स गो गाइस, हम लोगों को थोड़ी शीप दिख गई है, सॉरी गाइस, इन शीप से हम लोग ले लेंगे सामान गाइस, शीप जी सॉरी, ठीक है तीन हो गए ना, बढ़िया बढ़िया गाइस, हम लोग और नहीं चाहिए और हम लोग और शीप्स नहीं मारेंगे गाइस, ठीक है। ओके तो ये कर लेते हैं, अब हम लोग अपने लिए पहले सबसे पहले आज रात का जुगाड़ कर लेते हैं गाइस, एक बेड बना लेते हैं अपने लिए, ठीक है, तीन वो और तीन ये, तीन वो और तीन ये, नाइस वन गिवन। ओके चलो ठीक है गाइस, तो हम लोगों ने ये निकाल दिया है और अब हम लोगों को ढूंढना है कोई विलेज मिल जाए तो वो बढ़िया, वरना कहीं पर हम लोगों को अपना सेटअप बनाना स्टार्ट करना पड़ेगा गाइस। मैं तो देखो मैं ट्राई करूंगा पानी के बगल में हो तो ज़्यादा अच्छा होगा, रात होने लग गई है गाइस, तो हम लोग एक काम करते हैं अभी के लिए यहीं पर बेड डाल के सो जाते हैं। ओके नहीं, थोड़ा सा अभी और रुकना पड़ेगा अंधेरे के लिए। ओके तो गाइज हम लोगों ने एक रात तो निकाल लिया गेम में, हम लोगों का एटलीस्ट एक बेड मिल गया था, लेकिन आज हमारी खोज दोबारा से चालू होती है। पहले मैं थोड़ा सा आसपास देख रहा हूँ कि कहीं हमें गलती से भी अगर एक लाइक विलेज जैसा कुछ मिल गया, और खाने वाने का भी करना है गाइज, यार मैंने ध्यान नहीं दिया बिल्कुल भी, ठीक है, एकदम लापरवाह हो गया मैं, बोट की ज़्यादा जरूरत ही पड़ेगी। एक काम करते हैं, सबसे पहले हम अपने लिए एक फर्नेस बनाते हैं, ठीक है, और ये जो हमारे पास चिकन का मीट है थोड़ा बहुत उसको पकाते गाइस, ये लो, ठीक है, जब तक ये पक रहा है तब तक हमने और चिकन्स ढूंढी है, तो सारे के सारे चिकन्स को गाइस शहीद कर देते हैं यार। और ये क्या बोलूँ, कहाँ जा रही हो आज, फिर कितने चली है मुर्गी बन के। ओ टर्टल्स भी हैं, टर्टल्स की शादी वादी सब कुछ करवा सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो अरे रुको तो सही मैडम, अरे मैडम चलो गाइस, ठीक है, तो ये भी हो गया और इसको भी पकाने रख दे, तब तक हम लोग जो हमें मिल चुका है वो खा लेते हैं, और कैसी हो गवाता, चलो ठीक है। तो ओ गाइस क्या हम लोगों को एक केव मिली है, ओके भाई ये बहुत मस्त चीज होने वाली है अगर हमें, ओके भाई नहीं जाना, ओ कोल दिख रहा है गाइस, जाना तो पड़ेगा यार, मुझे जाना तो पड़ेगा, लेकिन क्रीपर यार, अरे भाई क्रीपर और मकड़ी दोनों मेरे पीछे पड़ चुकी हैं, बढ़िया बढ़िया इनको बाहर लेके आ जाता हूँ मैं, मकड़ी तो जल जाएगी, मकड़ी क्यों जलेगी, ओके दिन में अटैक नहीं कर सकती मकड़ियाँ, ये लो दोनों के दोनों फट चुके हैं, मेरा भी थोड़ा एचपी गया लेकिन बढ़िया सा थोड़ा काम हो गया। एक काम करता हूँ जब तक आप फूड वहाँ पे बन रहा है ना गाइस, हम लोग यहाँ पर से हम लोग जल्दी से कोल लेके आ जाते हैं ढेर सारा, ताकि हम लोग टॉर्चेस भी बना सकें, ठीक है, तो यहाँ से जितना कोल हो सकता है उतना कोल निकाल लेता हूँ मैं जल्दी जल्दी, ठीक है, तो फूड तो हो गया, ये साल को मैं बताता हूँ, रुको गाइस रुको रुको, ये मेरे को कम समझ रहे हैं, ये सोच रहे कि नया नया आया इसको पता नहीं है अभी, तू रुक जा बेटा तू बचेगा नहीं, अरे साइड से गया गाइस, ये लो भाई ये लो गाइस, मॉन्स्टर हंटर है तुम्हारा भाई, चलो थोड़ा सा और कोल निकालते हैं फटाफट से यहाँ से। ओहो गाइस रुको रुको जरा रुको, मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ गाइस, यहाँ से कोल निकालते निकालते देखो तुम्हारे भाई को क्या मिला है। पहले हम लोग हाथ पे रख लेते हैं टॉर्चेस को, और एक टॉर्च लगा देता हूँ मैं तुम्हारे लिए, क्योंकि मेरे को भी नहीं दिख रहा है और तुम्हें भी नहीं दिख रहा होगा। गाइस हम लोगों को आयरन मिल गया है यार, इतनी बढ़िया स्टार्ट यार, पहले ही एपिसोड में आयरन मिल चुका है हमें। गाइस इसको निकाल लेते हैं, आयरन निकालते थोड़ा सा, ठीक है, चार ही मिला शायद, नहीं एक्चुअली छः ब्लॉक्स मिल गए आयरन के, और क्या पता थोड़ा सा और अंदर हो, नहीं है, ओके ठीक है, तो हम लोगों को छः ब्लॉक्स आयरन मिल गया भाई, काफ़ी है भाई, मज़ा आ गया, थोड़ा आयरन के टूल्स बना सकते हैं हम लोग, ठीक है, तो अब हम लोग लाइक स्टोन एज से आयरन एज आ चुके हैं, मुझे पता है ऐसा कुछ नहीं था गाइस, ठीक है, तो आगे को आते हैं देखते हैं गाइस, हम लोग आयरन को स्मेल्ट करने लगाते हैं, कितना सही हो गया यार ये एरिया, ठीक है, बस एक हमको एक बस वो मिल जाता ना गाइस, मजाक से हट के यार, एक हमको बस विलेज मिल जाती ना
तो ये इतनी अच्छी स्टार्ट हो सकती थी ना कि क्या ही बताऊं आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आयरन स्मेल्ट हो रहा है, तब तक हम लोग रुको थोड़ा सा देख के आते हैं आसपास। ठीक है, क्या पता हम लोगों को कुछ मिल जाए, थोड़ा सा खाना भी खाते हैं, मेरी एचपी भी कम है। ठीक है, तो चलो देख के आते हैं कि क्या चल रहा है। भाई प्लीज़ यार, सोचो हम थोड़ा सा इन पेड़ों के ऊपर चढ़े और थोड़ा ही पास में विलेज दिख गए, भाई मैं तो जितना खुश रहूँगा ना, मेरे से ज़्यादा खुश शायद ही कोई होगा भाई। ठीक है, तो चलो देखते हैं। भाई मुझे तो दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा पानी दिख रहा है, पानी का तो ऐसा कुछ कमी वमी वाला सीन नहीं है। ठीक है, लेकिन हमारे फार्म वार्म बनाने में स्टार्टिंग में थोड़ा सा काम आ जाएगी ये सब चीज़ें, तो चलो देखते हैं। आई हाय हाय, ये देखो भाई हार्ड कोर पार्कोर इतनी एचपी दे दी है अपनी। तो चलो चलते हैं वापस अपने स्मेल्टर की तरफ को, थोड़ा सा हमारा एचपी कम हो रहा है, फूड भी कम है, तो चलो ये भी खा लेते। ओ गाइस देखो एक और हनीकॉम्ब है, इसमें से भी ड्रिप नहीं हो रहा है गाइस, ये भी सूखा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इनके हमको अगर हम इनके घर के आसपास गाइस वो लगा देंगे ना, प्लांट्स लगा देंगे, फूल वूल लगा देंगे, तो शायद से ये यहाँ पर हनी देने लग जाएं, तो हम बाद में यहाँ पर एक लाइक हनी का पूरा मेज़ बना सकते हैं अपने लिए। ठीक है, ओ ये हमारी, हाँ यही है ना हमारी, हाँ ये हमारी माइन है गाइस, इसमें हम लोगों को माइन करना है भी बहुत सारा, ताकि हम लोग थोड़ा आयरन वायरन और ले सकें। तो गाइस हमारे पास 6 आयरन आ चुका है, मज़ा आ गया देखो, एडवांसमेंट एक्वायर हार्डवेयर। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग थोड़ी सी स्टिक्स बना लेते हैं अपने लिए, और उन स्टिक्स से गाइज अब हम लोग बनाएंगे अपने लिए बाकी का सारा सामान। एक ये बना लेते हैं पहले, तो पिकैक्स बना लेते हैं, और पिकैक्स और एक स्वॉर्ड बनाओ या फिर एक्स बनाओ, मेरे ख्याल से एक्स ज़्यादा सही रहेगी, एक्स लाइक अटैक भी कर लेगी और पेड़ वेड़ काटने के भी थोड़े काम आ जाएगी। तो चलो गाइज यहाँ से हम लोग मूव कर सकते हैं, या फिर मैं सोच रहा हूँ कि इसी माइन में थोड़ा खोद के और आयरन निकाला जाए। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, इसी माइन में थोड़ा और जाके आयरन का वो निकालते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, जितना हमारे पास चिकन है वो बनाने रख देते हैं। ठीक है, रुकते हैं थोड़ा सा, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा मटन भी बनाने रख देंगे। एक बार आसपास देख लेते हैं गाइस। ओके, घोड़े दिख रहे हैं कुछ, गाय वाय तो है ही भाई, गाय वाय भी सही है यार, दूध दूध निकालने काम आ जाएगी। और मैं सोच रहा हूँ क्या पता, जब तक हमारे पास है ही एक पेड़, तो देखो गाइस एक चीज़ दिखाता हूँ तुम्हें, ये पेड़ से हम लोग ब्लू डाई बनाई, और अगर हम लोग अपना बेड और ब्लू डाई रख दें तो हमें ब्लू बेड मिल जाएगा। इसका हमारा बेड जो है वो अब ब्लू कलर का हो गया है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर ही अपना स्पॉन पॉइंट लगा देता हूँ, ताकि हम लोग मरें तो हम लोग यहीं पर आए गाइस। याद रखना, अगर आप, अगर मैं ये बेड तोड़ दूंगा ना गाइस, तो मैं यहाँ पर नहीं आऊँगा, फिर मैं वापस से शायद से वो जो आइलैंड में मैं आया था ना, मैं वो वाले आइलैंड में आऊँगा गाइस, जो कि बहुत ज़्यादा ही दूर है यहाँ से। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे 5 कोल और छोड़ देते हैं, और एक बार ये चिकन बन जाता है तो हम लोग यहाँ पे मटन छोड़ के चल देंगे अंदर, और थोड़ा सा खोद खाद के आ जाएंगे। वैसे रात भी होने वाली है, तो मेरे ख्याल से हमने ऐसा भी नहीं करना चाहिए, बट देखते हैं गाइस। ठीक है, जैसा भी होगा वैसा कर लेंगे, पहले अभी एक बार अंदर जाते हैं, हम लोगों को थोड़ा बहुत यहाँ पे खेती वेती भी करना पड़ेगा। खैर वीट तो ऐसी मिल जाएगा, इस वीट का कोई सीन नहीं है, लेकिन मेरे को यार लिटरली मेरा मन है कि एक बस विलेज मिल जाए ना कहीं पे, तो भाई अलग ही मज़ा आ जाएगा। ओके गाइज, थोड़ा और कोल मिला, चलो यार लाइक कोल इज़ इतना हार्ड नहीं है ढूंढना, लेकिन यार स्टार्टिंग में ना, स्टार्टिंग के रिसोर्सेज में कोल बहुत ज़्यादा काम आता है। लाइक आपको कितनी चीज़ें बनानी होती है, बाद में भी काम आता है, ऐसा नहीं कि स्मेल्ट भाई, क्योंकि देखो स्मेल्टिंग तुम करोगे, कोल तो तुम्हारे हमेशा ही काम आएगा गाइज। तो कोल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि आपको चाहिए चाहिए पूरे थ्रू आउट द गेम। ठीक है, बाद बाद में कह रहा आप लावा बकेट वो सब। ओह एंडरमैन है गाइस इधर, मैं लगा सकता हूँ यहाँ से, यहाँ तो कहीं पे एंडरमैन है, मैं कर रहा हूँ जो अंदर जा रहा हूँ, देखो देखो देखो, दिखा दिखा भाई यार, मैं पिटना नहीं चाहता गाइस, बड़ी मुश्किल से अच्छी स्टार्ट हुई है। ठीक है, इतने गंदे आइलैंड में हम लोगों को छोड़ दिया था, चारों तरफ से पानी पानी बस। खैर आइलैंड में हर, अरे रे रे ये जा किन रहा है यहाँ से, खैर वो क्यों जाएगा यार, वो तो उसका इलाका है, हम लोग उसके इलाके में आए हुए हैं, तो हम लोगों को जाना चाहिए कायदे से। तो हम लोग निकलते हैं यहाँ से, हम लोग थोड़ा और डीप जाते हैं गाइस। ठीक है, थोड़ा यहाँ पर ढूंढते हैं कुछ, अगर लाइक काम का सामान मिला, और ओ आयरन, लेट्स गो गाइस। यार मुझे पता है क्या करना है गाइस, मेरे को मन है कि लाइक एटलीस्ट एपिसोड 1 तक का जो है, जो याला एपिसोड है, इसमें हम लोग एटलीस्ट लाइक अपना सारा का सारा जितना भी इन्वेंट्री है ना, वो एटलीस्ट आयरन का कर लें, तो थोड़ा मज़ा आ जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट वाले में ये कर सकते हैं कि हम लोग घूम के थोड़ा सा विलेज ढूंढने निकल सकते हैं, तो वो चीज़ में मज़ा आएगा। फिर उसके बाद हम लोग अपना खुद का लाइक एक प्रॉपर एरिया वेरिया वो करेंगे। ठीक है, क्योंकि यार विलेज विलेज से ना आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है, बहुत सारा आइटम्स मिल जाते हैं जो आपको लेट गेम में मिलते हैं, लेकिन विलेज में आपको वो चीज़ें पहले मिल जाएंगी, तो ये बहुत ज़्यादा यूजफुल चीज़ें हो जाती हैं। बाकी तो जितना भी कोल वोल होगा वो ले लेते हैं हम लोग, क्योंकि लेवल भी बढ़ रहा है भाई का, देख रहे हो 3 हमें आयरन के और मिले, 3 आयरन ब्लॉक्स और मिले, इससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, एक स्वॉर्ड बना सकते हैं अभी के लिए, तो इतना भी खतरनाक चीज़ नहीं मिली है अभी तक। वो बैट भाई, ये बैट ज़्यादा कुछ करते तो है नहीं, वैसे मैं पता नहीं क्यों मारना चाहता हूँ, लेकिन
ओके डेड है भाई। जी जी ओके चलो गाइस देखते हैं अंदर को आते थोड़ा। ओ आयरन, ओ एक और बैट भाई, मेरे को बैट से डर लगता है शायद से, मैं इसलिए उनको मार रहा हूँ। ठीक है क्योंकि उनको मारना नहीं चाहिए क्योंकि वो कुछ करते नहीं ऐसा। ठीक है पता नहीं मेरे ख्याल से ज़्यादा मॉब्स तो स्पॉन नहीं होते। चैट मेरे को एक बार डिस्क्रिप्शन उसमें बताना, ठीक है गाइस मेरे को एक बार कमेंट्स में ज़रूर बताना कि बैट्स का काम क्या होता है, क्योंकि ना बैट मरने पर कुछ देते हैं ना कुछ करते, तो ये खाली तुम्हें डराने के लिए होते हैं क्या? ये देखो और आगे, ठीक है तो गाइज अभी के लिए तो कुछ नहीं दिख रहा है। हम लोग काफ़ी डीप आ गए यार, रास्ता ना भूल जाऊँ मैं बस। ठीक है इसीलिए मैं ढेर सारे लाइक वो लगा के चल रहा हूँ। ओ गाइज यस यस यस, चार और आयरन मिला भाई, सही है मेरे ख्याल से हो जाएगा यार गाइज, हो जाएगा सारा का सारा हम लोग बना सकते हैं इक्विपमेंट। ठीक है आयरन का, अब यहाँ से ग्रेवल की वो लगी तो हम लोग, मैं तो नहीं जा रहा अभी के लिए इधर को। ठीक है लेकिन हम लोगों ने सबसे बढ़िया बात क्या करी गाइज, हम लोग हर जगह पर थोड़ा थोड़ा लाइक टॉर्चेस लगा के आ चुके हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि हम लोगों को रास्ता पता रहेगा। देखो जहाँ जहाँ मैं टॉर्च लगा के आया हूँ हमको बस उसी में वापस चलना है, तो हम लोगों को लाइक रास्ता मिल ही जाएगा कैसे ना कैसे। ओके थोड़ा और मेरे को, ओ मैंने देखा नहीं क्या कोल, ओके थोड़ा सा कोल और है यार। देखो सुनो कोल मैं छोड़ता नहीं गई, स्टार्टिंग के गेम में तो आप कोल छोड़ ही नहीं सकते यार, माइनिंग करनी है कोल आपको स्टार्टिंग में मिल रहा है तो मैं तो हमेशा बोलूँगा भाई ग्रैब दैट कोल भाई। ठीक है तो सारा का सारा कोल लेता हूँ और रात होने से पहले फटाफट ऊपर जाके अपने बेड में सो जाते हैं, वरना पता नहीं क्या होगा बाद में। ओके तो चलो गाइज ऊपर चलते हैं देखते हैं। ओहो नीचे भाई, नीचे तो बहुत ही गहरा है, यहाँ नीचे भी जाना है लेकिन अभी के लिए गाइज ऊपर चलते हैं। मैं शायद से यहीं से जंप किया था, हाँ मेरे को याद है। ठीक है तो हाँ हम लोग सही जा रहे हैं गाइज, ये बाहर जाने का रास्ता है, यहीं कहीं पर से था। ओके मैं गाइज में नहीं नहीं मिल गया मिल गया मिल गया। ठीक है एक काम करते गाइज, यहाँ पर ना ऐसे लगाते ना टॉर्चेस को कि थोड़ा सा लाइक हम लोगों को मिल जाए रास्ता निकलने का। ठीक है ऐसे ऐसे जहाँ पर भी ऐसे टॉर्च लगे हुए ना इसको तोड़ देते हैं। ठीक है ये टॉर्च वापस ले लेते हैं अपनी। ठीक है तो जहाँ पर भी ऐसे लगा हुआ है ना इसका मतलब है कि वहीं से रास्ता है, इसके आसपास के थोड़े से हम लोग ब्लॉक्स तोड़ देते हैं ताकि ये क्लीन दिखे दूर दूर से सबको। ठीक है थोड़ा सा इन ब्लॉक्स को भी तोड़ देते हैं, कॉबल स्टोन भी थोड़ा काम आ जाएगा इसके, पता हम लोग यहीं पर अगर अपना एक टेम्प्रेरी घर बनाए ठीक है तो वो चीज़ के भी काम आ जाएगा। तो चलो गाइस बाहर चलते, बहुत ज़्यादा अंधेर हो गया, बहुत सारे मॉब्स आ चुके होंगे यार भाई। अरे शिट मेरे बेड के बगल में गाइस खड़ा हूँ, अरे यार लग गए गाइस यार, इतना आयरन यार, 17 आयरन है हमारे पास, 17 आयरन चले गया ना भाई, मैं रो गाइस। ठीक है इसको भी मारते हैं और इसको भी मारते गाइस, मेरे को फूड भी खाना है, मेरा फूड भी खत्म हो रहा है। नाइस है यार भाई, देखो गाइस जिसको नहीं पता जो लोग नए हैं माइनक्राफ्ट में, अगर आप लोग एक एक्स लेते हो और उससे जंप करके किसी को मार दो ना तो आपका लाइक डैमेज जो होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ऑलमोस्ट 1.5 ज़्यादा होता है। लाइक 2 हार्ट का डैमेज होगा तो आपको 3 हार्ट का डैमेज मिलेगा। ठीक है और ये देखो दिन के टाइम पे जितने भी मॉब्स होते हैं गाइस वो मॉब्स जलना शुरू हो जाते हैं, तो जैसे कि ये देखो खुले में खड़ा है ना तो ये दिन के टाइम पे पूरा का पूरा जल जाएगा, ये जिंदा रह ही नहीं सकता आप। ये देखो ये मुझे पीछे से मार मार था बट ये जल रहा है पहले से। ये लो भाई एक्सपीरियंस मिलेगा, एक्सपीरियंस छोड़ने का नहीं गाइस, वो भी यहाँ पे अच्छा ठीक है, वो मैंने नहीं मारा तो मेरे को एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। ठीक है और ये रॉटन फ्लैश छोड़ देगा, ये आप खा सकते हो बट इससे लाइक नुकसान भी बहुत सारा होता है, लाइक आपका पेट खराब हो सकता है तो मैं नहीं बोलूँगा कि इसको खाओ। ठीक है लेकिन ये हाँ ये वुल्फ टेमिंग इन सब में काम आ जाएगा लाइक आप ओके। और दिन में गाइस एक और चीज़, जो लोग नए हैं दिन में ये लोग आपको अटैक नहीं करते, स्पाइडर्स आपको दिन में अटैक नहीं करते जब तक आप उन्हें अटैक नहीं करते। जैसे ये किया ना मैंने, अब ये मुझे मारना आ जाएगा। ठीक है तो अगर मैंने इसको मारा तो ये मुझे मारने आएगा, अगर मैं इसको नहीं मारूंगा तो नहीं मारेगा, लेकिन रात में ये आपके ऊपर अटैक करेंगे प्रॉपर। ठीक है गाइस तो ये हमारा सोने का हो गया, एक बार फटाफट से यहाँ पर सारा का सारा अपना आयरन और छोड़ देते हैं। ठीक है और थोड़ा और कोल डाल दे भाई, हमारे पास लिटरली एक स्टैक कोल हो गया है, मैं बता रहा हूँ स्टार्टिंग में तो कोल आप जितना जमा कर सकते हो कर लो भाई, मिल रहा है तो लो, ये मत सोचना कि यार कोल ही तो है कितना अच्छी होगा ये वो नहीं। ठीक है अब एक काम करते, जब तक हमारा कोल जमा हो रहा है ना तो हम लोग दूर तक का देख के तो आ चुके हैं तो हमें कुछ नहीं मिला। ठीक है अब एक काम करते हैं कि हम लोग तब तक का क्या करते हैं, तब तक हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा इनको तोड़ते हैं गाइस, इसको तोड़ोगे ये देखो आपको क्या मिलेगा, आपको ये मिलेगी वीट। ठीक है ये वीट के सीड से आप बाद में खेती उगा सकते हो, तो इसलिए अगर आप लाइक इनको तोड़ते हो तो आपको हो सकता है वीट मिल जाए अभी इस वाले एपिसोड में। इस वाले एपिसोड में तो हम लोग पहले ट्राई करेंगे सारा का सारा हमारा सामान जो आयरन का बन जाए, तो हमारे पास 13 हो चुके हैं। एक बार सबसे पहले देख लेते हैं हम लोगों को क्या क्या चाहिए गाइस, देखो हम लोगों के पास एक आयरन एक्स है एक पिकैक्स है, तो अगला हमको चाहिए पहले तो एक शवल बना देते क्योंकि उसमें सबसे कम चाहिए होता है, तो एक शवल बना लिया। उसके बाद हमें चाहिए एक स्वॉर्ड, तो हम लोग स्वॉर्ड भी बना लेते हैं, एक स्वॉर्ड भी बना लिया हमने आयरन की। अब हम लोग को चाहिए एक हो
वो आयरन का बनाने से मेरे को कभी फर्क नहीं पता चलता, लेकिन ठीक है गाइस बना लेते हैं क्या ही फर्क पड़ता है, तो एक हो भी बना लेते हैं आयरन की। वैसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता यार, आयरन हो से भी ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन तेज वेज कुछ ऐसा मतलब ठीक है, अच्छी होती है, मतलब समझ लो अपग्रेड तो अपग्रेड है गाइस। तो हम लोगों ने ये सब चीज़ें बना ली हैं, आई डोंट थिंक कुछ और बचता है स्वॉर्ड और ये सब। अब बस अपने लिए एक शील्ड बनाते गाइस, क्योंकि शील्ड बहुत ज़्यादा काम आती है जिस समय पे आप लोग लाइक क्रीपर से लड़ रहे थे गाइस। क्रीपर्स जैसे कि हमने दिखाया था ना अभी, वो जो फटा था, ऐसे क्रीपर से बचने के लिए देखो शील्ड बनाते हैं ऐसे। पहले आपने एक जैसे मैंने बोर्ड बना के दी थी यू से, यू वाली बोर्ड बनाई और उसके बाद नीचे एक और रख दिया और बीच में आयरन इंग्रेड रख दिया, एक शील्ड बन गई गाइस। तो ये चीज़ हम कर लेते हैं, शील्ड को हम लोग हाथ में इक्विप कर लेते हैं और लाइक अब तो हम कुछ भी हाथ में ले सकते हैं, ठीक है। तो ये रख लेते हैं और हम लोगों को बनाना होगा एक चेस्ट भी, तो अभी के लिए तो एक चेस्ट ले लेते हैं और इस चेस्ट को यहीं पे लगा देते हैं गाइस, इसी के बगल में, ठीक है, यहाँ पर नीचे था, रुको रुको, इस चेस्ट को हम लोग लगाते हैं थोड़ा सा यहाँ, ठीक है। तो अब इस चेस्ट में हम लोग क्या क्या डाल देंगे, हम अपना जो स्टोन का सामान है वो सारा का सारा है इस वाले चेस्ट में अभी के लिए डाल देते हैं, क्योंकि अब हमारे पास आयरन का सामान है। पिकैक्स रख लेते हैं, पिकैक्स हमेशा ही काम आती है, तो ठीक है। तो हमें चार और मिल चुका है, ये चार भी हम लोग यहीं पे रख देते हैं, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ से, आई थिंक हम लोगों ने यार पहला एपिसोड काफ़ी सही बना लिया, लेकिन हमारे पास घर नहीं, ठीक है भाई, मुझे दिख रहा है कि हमारे पास घर नहीं है, लेकिन हम लोगों ने दो रातें माइनक्राफ्ट के अंदर निकाल ली हैं, ठीक है। एक्चुअली तीन रातें निकाल ली, कि हाँ यहाँ पर हम लोग दो बार सो चुके हैं, तो हम लोगों ने तीन रातें निकाल ली है यहाँ पर। और हम लोगों ने आयरन का अपना सारा का सारा, ये देखो गाइस हम लोगों ने आयरन की सारी सारी चीज़ें बना ली है। हमारे पास एक केव पड़ी है यहाँ पर, जहाँ पर हम नीचे जाके पूरा खोदेंगे, अभी पूरा ढूंढेंगे। मेरे को यार एक चीज़ का डिसअपॉइंटमेंट है कि हम लोगों को विलेज नहीं मिले, लेकिन ठीक है हम लोग विलेज भी ढूंढेंगे गाइस, टेंशन मत लो। अब अगले एपिसोड में हम लोग क्या करेंगे, अगले एपिसोड में हम लोग यहाँ पर ट्राई करेंगे एक फार्म बनाने का, एक फार्म बनाना है हमें इसी अगले एपिसोड में। और हम लोगों को जो चीज़ें करनी है वो है एक पूरा का पूरा अपने लिए आर्मर बनाना है आयरन का, जैसे कि अभी देख रहा हूँ हमने कुछ भी नहीं बनाया, सिर्फ एक शील्ड है हमारे हाथ में और वो शील्ड इतना हमें नहीं बचा पाएगी जितना एक आयरन का पूरा आर्मर बचा पाएगा। तो अब हमें अगले एपिसोड में आयरन ढूंढना है ताकि हम लोग उसके लिए एक आर्मर बना सके। और अगले एपिसोड में बनाना है हमें पहला अपना मैनुअल फार्म, जहाँ पर हम लोग लाइक हमें जानवरों को मारने की जरूरत ना पड़े यार, ऐसे करके जो ये वीट है, जो ये वीट देख रहे हो तुम लोग, इस वीट से ही हम लोग पूरा का पूरा लाइक क्या कहते हैं अपना एक फार्म बना ले और ब्रेड व्रेड खा के जिंदा रहें, ठीक है। बाकी तो हम लोग ढूंढेंगे सामान और वो मिलेगा। तो आई होप आप लोगों को इस सीरीज में मजा आए, ये था पहली सीरीज। भाई हम लोगों को लिटरली एक आइलैंड में बंद कर दिया था हम लोगों ने और हम लोग वहां से भागते हुए आए गाइस, समझ रहे हो आप लोग, भाई बहुत खतरनाक स्टार्ट हुई है इसकी, लेकिन देखते हैं आगे क्या होगा गाइस। सो आई होप आप लोगों को पहले एपिसोड में मजा आया, अगर मजा आया तो लाइक करना और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना। बाकी तो गाइस सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू वांट मोर कंटेंट लाइक दिस। मैं मिलूंगा आप लोगों को एपिसोड 2 में कल को, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।